एक और कॉलर है पंजाब से है वीरेंद्र उनका नाम है जी वीरेंद्र बताएं आपको क्या परेशानी है और उम्र भी आप अपनी बताएं बताएम साहब नमस्कार मेरा नाम वीरेंद्र है मेरी उम्र तिरपन साल है जी मैंने आपके जो होती है खाया घुटनों में दर्द मेरा काफी ठीक रहा लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि लास्ट आपका प्रोग्राम देखा था आप बता रहे थे कि गोंद जो होती है वो उससे भी क्या इस बीमारी में गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा सवाल किया आपको पूरा फायदा हो गया या अभी रह गया है, है। मैं ये कि एक पचहत्तर पैसे अच्छा देखिए आप सबसे बेहतरीन दवा खा रहे हैं जोड़ों के दर्द की नसों के दर्द की और कुछ लोग ये चाहते हैं कि घरेलू नुस्खे से फ़ायदा हो जाए तो गोंद जो मैंने आपको बताया तो ये दर्द को ठीक करने के लिए अलग गोंद होता है और जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया और शबनम ने भी कहा कि वो घरेलू नुस्खा तो एक गोंद आता है लेकिन वो वो जायके में इंतहाई कड़वा होता है अभी मैं उसका जिक्र कर रहा था अगर आप प्रोग्राम देख रहे थे तो इतना कड़वा होता है कि नीम तो कुछ भी कड़वा नहीं होता और जितनी करेला जितना कड़वा होता उससे भी पचास गुना कड़वा होता है काला काले रंग का होता है और बड़ा बड़ा होता है इतना बड़ा बड़ा होता है ये गोंद आप ले सकते हैं लेकिन नकली बहुत मिलता है और महंगा बहुत मिलता है कोई भी नकली चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी इसलिए मैं उसकी निशानी बता रहा हूँ गोंद सियाह गोंद या काला गोंद कह सकते हैं ये एक ऐसी लकड़ी में से निकलता है जो एक काला पेड़ होता है और जिसकी कभी बांसुरी बनती थी बांसुरी एक काले लकड़ी की बनती थी जिसे आबनूस कहते हैं और तो उसका गौन दुनिया में उसके मुकाबले का कोई दर्द निवारक दवा मुमकिन नहीं है अच्छा दर्द निवारक क्या मर्ज़ निवारक कहना चाहिए क्योंकि ये दर्द को फ़ायदा नहीं करती मर्ज़ को फ़ायदा करती तब दर्द में फ़ायदा होता है लेकिन इसकी खुराक बहुत ज़रा सी लेनी पड़ती है बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते नहीं तो इससे आपको परेशानी भी हो सकती है ऐसे सौ ग्राम आप इसको ख़रीद लीजिए और इसका फिर पाउडर बनाइए अच्छा चखने में इतना कड़वा है कि ज़ुबान मुंह पूरा कड़वा हो जाएगा तो इसका आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम दोपहर आधा ग्राम शाम वो भी खाने के बाद दूध से लें तो बेहतर है और अगर आप हेल्दी हैं तो ऐसे दूध से लीजिए जिसमें चर्बी ना हो या जूस से लीजिए अगर ये कोई शख्स खा ले काला गोंद जो कड़वा होता और महीना दो महीना भी खा ले तो उसके रगें उसके पट्टे मस्क, मस्कुलर और उसके जोड़ों का दर्द उसके डिस्क का दर्द यानी हर जिस्म के हिस्से में हर हिस्से की रिपेयर करता है ये और इसे दो तीन महीने लगातार ले सकते हैं इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है चलिए वीरेंद जी उम्मीद करते हैं कि आप इस पर गौर करेंगे हकीम साहब ने जो चीज़ें आपको बताई हैं उसको आप अमल में लाएं ज़िंदगी में अपनी शामिल करें और सेहत याब रहें